दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा एक एलईडी बल्ब एक महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाता है, यानी कि कितना बिजली का बिल बनाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने दो एलईडी बल्ब ले लिए हैं, एक 0.5 वाट का है और एक हमारा 9 वाट का है। यहाँ पे हम 9 वाट का सिंगल एक एलईडी बल्ब यूज करके देखते हैं और इससे बनने वाला एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको भी मोटा मोटा ये आइडिया लग जाएगा कि एक एलईडी बल्ब को हम एक महीने यानी कि 30 दिन लगातार यूज करते हैं तो उससे कितने रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी वाटेज इसके ऊपर मेंशन ऑलरेडी है ही करा हुआ। अब यहाँ पर हमें इसका एक महीने का टोटल बिल निकालना है कि एक महीने में ये एलईडी बल्ब हमारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, यानी कि कितनी बिजली की खपत करता है। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है दोस्तों यूनिट का। तो यूनिट बराबर जो होता है, यूनिट बराबर वाट इंटू टाइम। दोस्तों ये सारा सिंपल फार्मूला है, इसकी हेल्प से हम इसका यूनिट पता कर सकते हैं पूरे महीने का। तो यहाँ पे दोस्तों जो वाट है वो 9 वाट का है। तो यहाँ पे दोस्तों डब्लू से हमने वाट को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हम टाइम लेते हैं, टाइम हमारा कौन सा होगा दोस्तों, टाइम हमारा होता है घंटे में, कितने घंटे हम इस बल्ब को यूज़ करते हैं। अगर इस एलईडी बल्ब को हमें 24 घंटे लगातार चलाना है तो 24 × 30 यानी कि 30 दिन में एक महीना होता है, तो रोजाना 24 घंटे अगर इसको यूज करते हैं तो एक महीने में हमारा 720 घंटा हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स हमने बिल्कुल भी इस बल्ब को एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया है, लगातार एक महीने तक यूज़ किया है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, लास्ट में मिसाल के तौर पे अगर आप 12 घंटे बल्ब यूज़ करते हैं तो उसका आधा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम पूरा मंथ का निकाल रहे हैं और वो भी 24 घंटे का, दिन रात अगर इस एलईडी बल्ब को जलाते हैं जब। तो यूनिट का फार्मूला दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो वाट की जगह पे हम वाट लिख देंगे तो इज इक्वल टू यूनिट इज इक्वल टू वाट 9 और इसको हमें चलाना है फ्रेंड्स 720 घंटे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई थी, हमारा जो यूनिट का फार्मूला था उसमें वाट इंटू टाइम को 1000 से डिवाइड भी करना होता है। अब हमारा पूरा कंप्लीट फार्मूला बन के रेडी हो चुका है। तो इस फार्मूले में हमने वाट की जगह 9 लिख दिया एंड टाइम की जगह 720 घंटे जैसा कि हमने निकाला था वो लिख दिया और उसके बाद हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 2 = 18 और 9 × 7 = 63 6480 डिवाइड बाई 1000 और इसको डिवाइड बाई 1000 से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 6.48 यूनिट। ये टोटल यूनिट हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो रेट बनेगा, रेट जो होगा वो दोस्तों 6.48 × 6.5 यानी कि एक यूनिट का जो रेट है वो 6.5 रुपये है और हमको 6.48 से मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारा टोटल निकल कर आया है। तो हमारा फ्रेंड्स जो एक यूनिट का रेट है वो 6.5 था, हमको टोटल यूनिट से इसको कैलकुलेट यानी कि मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारा 42.12 रुपये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा अगर हम एक एलईडी बल्ब को दिन रात 24 घंटे यूज करते हैं तो हमारा एक महीने का बिल 42 रुपये का बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल की गणना कर सकते हैं यानी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सादा सिंपल तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।